संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की इलेक्शन है, तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैं तो बोलते ही रहता हूं, मैं तो 17 साल की उम्र से ही कैस्टो सीडियो में बोलने लग गया था, मैं तो बोलते ही रहता हूं, लोगों को बहुत कम मौका मिलता बोलने का। तो भड़ास निकालने के लोगों के अपने अपने तरीके हैं, जरूरी नहीं कोई भाषण दे, कोई नारा अच्छा लगा सकता है, कोई चीख अच्छी मार सकता है, कोई अपने आप के जज्बातों को और तरीके से कर सकता है। तो मैं 15-20 सेकंड के लिए पब्लिक को माइक दे देता हूं, मैं पब्लिक की तरफ कर देता हूं, जैसे आपका मुकाबला भी इनके साथ है, इधर से ज्यादा आवाज आएगी या इधर से, जो मर्जी दिल में है आप बोल देना, जिंदाबाद चाहे, हाँ मुर्दाबाद किसी को ना कहना, अपना जिंदाबाद ही रखना, पॉजिटिव रखना है, और जहां से जिधर से ज्यादा आवाज आएगी फिर देखते हैं क्या होता है। आपका समय शुरू होता है अब। रिजल्ट आ गया, दोनों दोनों पक्ष बराबर रहे, क्योंकि मैं प्यार में अंतर नहीं कर सकता कि इधर वाले कम करते हैं इधर वाले ज्यादा करते हैं। तो जो आप मुझे प्यार दे रहे हो उसका किसी करेंसी में दुनिया में कोई कीमत नहीं लगा सकता कोई बंदा। जो प्यार गाड़ी पे फूलों की वर्षा हो रही है, माएं बहनें दुआएं दे रही हैं, नौजवान लड़के कंधे पे हाथ रख के सेल्फियां ले रहे हैं, बच्चे प्यार दे रहे हैं, लोग अपने घरों से मकानों से दुकानों से बाहर निकल के बेवफ कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि 25 तारीख के लिए मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि फिक्र मत करना। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है, इस विधानसभा में आने के लिए या इस धरती पे आने के लिए आज मेरे लिए बड़ा दिन है, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला है, और रिश्तेदारी भी वो है जो टूट नहीं सकती। सो आज मैं वो वाला तो नहीं हूं, लेकिन आज मुझे भी घर पे जाना है भाई साहब, लेकिन आज उनकी भी इज्जत का सवाल है जो घर बैठे हैं। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के दो नारे लगा के हौसला बढ़ा दीजिए, इनकलाब इनकलाब बोले सोनिहाल, और पूरा परिवार रिश्तेदार सारे यहीं पे साथ में हैं। सुशील गुप्ता जी हमारे कैंडिडेट हैं, और मैं आज जाके बताऊंगा, वैसे तो सुन लिया होगा लाइव कि बहुत अच्छा प्यार, बहुत इतना मान इज्जत मिला दुनिया भर में, जहां भी जाता हूं मान इज्जत दे रहे हो आप, उसका कोई करेंसी में कोई मूल्य नहीं होता। सो 25 मई को सुबह घर से निकलना 7 बजे, और 7:30 बजे तक काम करके वापस आ जाना, बटन दबा के झाड़ू वाला। 25 मई को आप बटन दबाकर आपकी जिम्मेदारी खत्म, हमारी जिम्मेदारी शुरू। ये इस समय तक तो काम हो गया होगा, और मैं आपको खुशखबरी बता रहा हूं, जो 4 राउंड की वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी बिल्कुल खत्म हो रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी के भाषण बदल गए। इंडिया इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, और आप लोगों का सेंटर सरकार में हिस्सा आप लोगों का होगा।